तो पीएसएल 2020 में आज जो 21वां मुकाबला खेला जा रहा उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। यह मुकाबला खेला जाएगा लाहौर क्वेंडर्स और क्वेटा ग्लैंडियर्स टीम के बीच और यह मुकाबला खेला जाएगा 7 मार्च को यानी कि आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और यह मुकाबला इंडियन समय के अनुसार शाम को 7:30 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे पीएसएल 2020 के 5 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं जिसमें से पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 3 मुकाबले जीती, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 36 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 18.70, इकोनॉमी रेट 8.79 और स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 18 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 20.0, इकोनॉमी रेट 8.05। तो यहां पर अगर देखें तो विकेट ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पर भी तेज गेंदबाज बेहतर है और इकोनॉमी रेट के मामले में अगर देखिए तो वहां पर थोड़े से स्पिनर गेंदबाज आगे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो यहां पर एवरेज स्कोर 170 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 209 रन, सबसे कम स्कोर बना 138 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 182 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 198 रन। और अगर बात करें पावर प्ले की आंकड़ों की तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 51 रन, 14 विकेट गिरे हैं। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड के ऊपर पावर प्ले में तेजी के साथ रन बनते हैं और साथ में विकेट भी गिरते रहते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर बाउंड्रीज के बारे में तो यहाँ पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 65 यार्ड की है और साइड बाउंड्री दोनों साइड पे 70 यार्ड की है। और अब यहाँ पर मौसम के बारे में बात करते हैं तो मैच के दिन मौसम रहेगा 19 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा और 60% बारिश होने की शंका है। और अब आपको दिखाते हैं लाहौर क्वेंडर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं सोहेल अख्तर हैं कप्तान और बैन डंक हैं विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं क्वेटा ग्लैंडियर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं सरफराज खान है विकेट कीपर और कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज जेसन रॉय, इन्होंने 227 रन बनाए पीएसएल 2020 में। शेन वॉटसन, इन्होंने 181 रन बनाए पीएसएल 2020 में। बैन कटिंग, इन्होंने 146 रन बनाए पीएसएल 2020 में। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज मोहम्मद हसनैन, इन्होंने 14 विकेट चटकाए पीएसएल 2020 में। बैन कटिंग, इन्होंने 8 विकेट चटकाए पीएसएल 2020 में। और दिलबर हुसैन, इन्होंने 6 विकेट चटकाए पीएसएल 2020 में। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर बैन कटिंग, इनका स्ट्राइक रेट है 194.67। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए। भारी है मैच प्रेडिक्शन की, लेकिन प्रेडिक्शन करने से पहले आपको स्क्रीन शॉट दिखा देते हैं सीबीटी आरिया की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो ये जो 18वां मुकाबला हुआ था पीएसएल 2020 का उसके सारे स्क्रीनशॉट हैं, जैसा मैं बोलता हूं कि उनके सारे प्रेडिक्शन एकदम सही रहते हैं, तो ये है उसका प्रूफ। तो अगर आपको भी चाहिए 100% फिक्स रिपोर्ट तो जुड़िए सीबीटी आरिया के साथ, ये है उनका व्हाट्सएप नंबर 7491928134। तो अब यहाँ पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला क्वेटा ग्लैंडियर्स टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।